केंद्र चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा में विधानसभा के उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बंगाल और ओडिशा में 30 सितंबर को उपचुनाव कराए जाएंगे, जबकि नतीजे 3 अक्टूबर को घोषित होंगे। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी चुनाव आयोग से लगातार चुनाव कराने की मांग कर रही थी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री पद पर बने रहने के लिए विधानसभा का ये उपचुनाव जीतना जरूरी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों का ऐलान मई में हुआ था और ममता बनर्जी को बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया था। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर कोई मुख्यमंत्री किसी विधानसभा या फिर विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी से मिली हार को कोर्ट में चुनौती भी दी थी। साथ ही ममता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ली। ऐसे में अपनी कुर्सी को बरकरार रखने के लिए ममता बनर्जी के पास चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचने के लिए 6 महीने का वक्त है। ममता के लिए टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय ने भवानीपुर सीट खाली भी कर दी है। ममता बनर्जी सीट से 2 बार विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में पूरी संभावना है कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगी। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव कराने का फैसला किया। इसी दिन पश्चिम बंगाल के शमशेरगंज, जंगीपुर और ओडिशा के पीपली में भी उपचुनाव होने हैं, जबकि वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। इन उपचुनाव के लिए आचार संहिता अभी से ही लागू हो गई है। उपचुनाव के लिए गजट अधिसूचना 6 सितंबर को जारी होगी, तभी से 13 सितंबर तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज़।